गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय भाग दो के पाठ आठ सुबह की सैर पढ़ेंगे। सुबह की सैर का अर्थ है सुबह घूमना। प्रस्तुत पाठ में हम सुबह घूमने से होने वाले लाभों के बारे में जानेंगे। नीरजा के दादा दादी जी प्रातः 6 बजे उठ जाते हैं। नीरजा भी उन्हीं के साथ उठ जाती है। तीनों सुबह है नियमित रूप से पार्क में सैर करने जाते हैं। प्यारे बच्चों, सुबह पार्क में सैर करने कौन कौन जाते हैं? सुबह नीरजा और नीरजा के दादा दादी पार्क में घूमने जाते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी उठना और घूमना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। नीरजा केवल 7 साल की है, पर उसे दादा दादी जी के साथ सुबह की सैर करना अच्छा लगता है। पार्क में और कई बूढ़े जवान तथा बच्चे सैर करने के लिए आते हैं। जिस पार्क में नीरजा अपने दादा दादी जी के साथ प्रातः घूमने जाती थी, उस पार्क में और भी कई बूढ़े जवान तथा बच्चे सैर करने के लिए आते हैं। एक दिन नीरजा दादा दादी जी के साथ पार्क में घूम रही थी, तभी उसे उसकी सहेली अंशु दिखाई दी। प्यारे बच्चों, जब नीरजा दादा दादी के साथ पार्क में घूम रही थी तो उसे कौन दिखाई दी? उसे उसकी सहेली अंशु दिखाई दी। उसकी सहेली अंशु दिखाई दी, वह अपने पापा के साथ पार्क में आई थी। उसकी सहेली अंशु भी अपने पापा के साथ किसमें आई थी? अपने पापा के साथ पार्क में आई थी। नीरजा दूर से ही चिल्लाई, अंशु अंशु इधर आ। अंशु दौड़ते हुए नीरजा के पास आ गई, दादा दादी को नमस्ते किया और अरे बोली, नीरजा तू यहाँ? नीरजा बोली, मैं तो दादा दादी के साथ रोज़ यहाँ सैर करने आती हूँ। नीरजा ने जैसे ही उसकी सहेली को देखा तो वह दूर से ही चिल्लाई, अंशु अंशु इधर आ। अंशु ने जैसे ही नीरजा की आवाज़ सुनी, वह भी उसे देखकर दौड़ते हुए नीरजा के पास आ गई और अंशु ने सबसे पहले नीरजा के दादा दादी को नमस्ते किया। प्यारे बच्चों, बताइए नीरजा ने ऐसा क्यों किया? अंशु ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि जो हमसे बड़े होते हैं उनको सम्मान करना हमारा कर्तव्य होता है। हमारी संस्कृति भी हमें यही सिखाती है।
कि हमें हमेशा अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। इसी कारण अंशु ने नीरजा से मिलने पर उसके साथ आए उसके दादा दादी का सम्मान करते हुए उन्हें नमस्ते किया और बोली, अरे नीरजा तू यहाँ? तभी अंशु की बात सुनकर नीरजा बोली, मैं तो दादा दादी के साथ रोज़ यहाँ सैर करने आती हूँ, यानी घूमने आती हूँ। इस प्रकार वह अंशु के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देती है और वह अंशु से पूछती है, तू बता आज तू यहाँ कैसे? क्योंकि रोज़ पार्क में घूमने कौन जाती थी? नीरजा। उसे वहाँ अंशु कभी दिखाई नहीं दी, इसलिए नीरजा ने अंशु से पूछा, तू बता आज यहाँ यानी पार्क में कैसे? अंशु बोली, मैं तो अपने पापा के साथ कभी कभी ही यहाँ आती हूँ। तभी अंशु भी नीरजा को उसके क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहती है, मैं तो अपने पापा के साथ कभी कभी ही यहाँ आती हूँ, यानी अंशु रोज़ पार्क में घूमने नहीं आती थी। दादाजी बीच में ही बोल उठे, क्यों अंशु कभी कभी ही क्यों आती हो? प्रतिदिन क्यों नहीं आती? अंशु, दादाजी मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। तभी दादाजी अंशु की बात सुनकर बीच में ही बोल उठे, क्यों अंशु कभी कभी क्यों आती हो? प्रतिदिन यानी रोज़ाना क्यों नहीं आती? तभी अंशु दादाजी के पूछने पर कि वह पार्क में रोज़ घूमने क्यों नहीं आती, अपना आंसर देती है, दादाजी मैं सुबह जल्दी नहीं उठती हूँ। प्यारे बच्चों, अंशु ने घूमने नहीं आने का क्या कारण बताया? अंशु ने घूमने नहीं आने का कारण बताया कि वह सुबह जल्दी नहीं उठ पाती है, इसी कारण वह पार्क में घूमने नहीं आती है। तभी नीरजा बोलती है, अंशु मैं तो प्रतिदिन 6 बजे उठती हूँ और दादा दादी के साथ सैर करने पार्क में आती हूँ। फिर दादाजी बताने लगे कि सुबह की सैर सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। तो बताइए प्यारे बच्चों, सुबह की सैर सेहत के लिए क्या क्या फ़ायदे हैं? यानी नियमित यानी रोज़ाना सैर करने से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है और ठंडी व हरी घास पर नंगे पांव घूमने से आँखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, यही कारण है कि हम अब तक अच्छे भले स्वस्थ हैं। तो सुबह की सैर के क्या क्या फ़ायदे हैं? सुबह की सैर के फ़ायदे हैं, हमारा शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है और ठंडी व हरी घास पर नंगे पांव घूमने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ती है। सुबह की ताज़ी हवा में सांस लेने से हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, यही कारण है कि हम अब तक अच्छे भले स्वस्थ हैं। दादाजी ने हंसते हुए कहा, साथ ही दादी नीरजा और अंशु भी खिलखिलाकर हंस पड़ी। तो प्यारे बच्चों, पाठ से हमें क्या सीखने को मिला? पाठ से हमें सुबह जल्दी उठने की शिक्षा मिली, साथ ही सुबह घूमने से होने वाले फ़ायदों की जानकारी हुई।
धन्यवाद।